जी, तो हम कंटिन्यू करेंगे अपने पार्ट टू में टेबल डिज़ाइन को। अब ये देखेंगे हमारा रिजेंबल करेगा हमारे इस वाले डिज़ाइन से। सही, अब हम इसकी सेटिंग करेंगे इस हिसाब से। सबसे पहले हम पूरा डेटे को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करा मैंने और कंट्रोल यहाँ पे वी करा। सही, और फिर मैंने अपनी डोज को सब चीज़ों को हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी करा, और फिर हम यहाँ पर आए। इस तरीके से आपने डेटा को लेकर कॉपी और पेस्ट करना है। सही, ये मैंने डेज को कॉपी करा, या चाहें तो आप टाइप भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मुझे इजी कॉपी करने में लग रहा है तो मैं डेटा को कॉपी कर रहा हूँ। जो भी काम कर रहे होते हैं हम उसको डेटा बोलते हैं यूजुअली। मैंने कंट्रोल वी करा। अब मैं इसको सेट करूँगा उसी टेबल की तरह जैसे उसमें सेट हुआ हुआ है। सही है, इनको सबसे पहले मैं ये सेंटर में लाऊंगा। कंट्रोल, इसके लिए शॉर्टकट ई भी आप दबा सकते हैं, और इनको भी कंट्रोल ई दबा कर मैं लाऊंगा। सही, इसके साइज़ की सेटिंग करूंगा जैसे उसमें है, ताकि रिजेंबलेंस आए। और इसको एडजस्ट करूंगा मैं इसकी स्पेसिंग को, कि ये कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं। सही, अच्छा, अब ये मैंने इसको सेट करा और मैंने इसको करा कंट्रोल बी, क्योंकि लीफलेट नहीं, कंट्रोल बी नहीं करेंगे, सॉरी। इसको हम ऐसे ही रन देंगे और हम इनकी भी राइटिंग को सेट करेंगे। सही, ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रिजेंबलेंस आए उस टेबल के साथ। सही, अभी मेरे पास ड्यूरेशन कम है तो मैं ज़्यादा सेटिंग नहीं कर रहा, ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने सैंपल करके दिखाया। अब राइट क्लिक करके आप इसके अंदर स्प्लिट सेल करेंगे, स्प्लिट सेल करेंगे, या इंसर्ट पे जाकर आप इंसर्ट रॉ ब्लो करेंगे। इस वाली रॉ पर आएंगे, इंसर्ट रॉ ब्लो। सही, ये आपके पास आ गई। फिर से आप राइट क्लिक करके इंसर्ट रॉ ब्लो करेंगे। फिर ये जो स्टार्ट वाले हैं इनको आप राइट क्लिक करके मर्ज सेल कर सकते हैं, या आपके पास दूसरा कुछ एमएस वर्ड में यहाँ भी मर्ज का ऑप्शन दिखा रहा होता है। तो खैर, मैंने राइट क्लिक करके मर्ज करा और ये मेरा दूसरा पॉइंट के लिए सेट हो गया है। दूसरे पॉइंट में तो सिर्फ तीन ही कॉलम बने हुए हैं, ऐसे डिवीजन नहीं हुई हुई। जिसमें डिवीज़न हुई हुई है उसमें हम डिवीज़न करेंगे। और इसमें देखें एक ही रॉ में काम हुआ है, इसमें दो रॉज ली हैं, फिर दो को पहले वाले कॉलम में मर्ज करा हुआ है। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखते हुए चीज़ को डिज़ाइन करना है, आपका लिफलेट डिज़ाइन हो जाएगा। अब पहला पेज आपका डिज़ाइन हो गया, फिर आप दूसरे पेज पर भी आकर चीज़ों को कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल इस तरीके से लोगोज़ हैं, ये गूगल से सर्च करके आप निकाल के उसको इमेज भी लगा सकते हैं, चाहें तो अपनी सेटिंग भी कर सकते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, लीफलेट लीफलेट लगे पेज के ऊपर जब आपने काम करा, तो इसको ये देखें, ये एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाला हुआ है, या इसके आगे आप इमेज खींच दें। अब ये मैं आपको खींच के दिखा रहा हूँ एक इमेज। सही है, एक शेप, सॉरी, इंसर्ट में जाएंगे आप, शेप्स में जाएंगे। ये रेक्टेंगुलर शेप ली मैंने और मैंने ये पूरे पेज के अराउंड पेस्ट कर दिया। इसमें मैंने राइट क्लिक करा, ऑर्डर पे गया, ब्रिंग टू बैक कर दिया। सही है, इसको मैंने ऑर्डर पे गया और सेंड टू बैक करा। अच्छा, अब ये आपको क्यों नहीं दिखा रहा? अब आप इसको करेंगे फॉर्मेट शेप और इसको करेंगे कलर को नो कलर। सही है, आपने ओके कर दिया। देखें, अब आपका उसी तरीके से लीफलेट बनेगा जैसे हमारा इस लीफलेट में शो हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ ये ऊपर का हिस्सा भी आ जाए, इसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है। आपने ये ऊपर वाले ऑप्शन को लेने के लिए आप स्मार्टनेस यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप कैसे करेंगे। मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मैंने ये जो ऊपर वाला डिज़ाइन है, एक आपका बटन होता है कीबोर्ड में इस्तेमाल कर रहे होंगे या लैपटॉप में, जिसमें भी, तो राइट साइड पे सबसे ऊपर टॉप पे प्रिंट स्क्रीन के नाम से एक बटन होता है। सही है, तो आप लैपटॉप में हैं तो फंक्शन की दबाएंगे और प्रिंट स्क्रीन का बटन दबा देंगे। सही है, फिर आप जाएंगे पेंट पर, आपकी स्क्रीन कॉपी हो गई होगी, ये पेस्ट हो गई, ये देखें।
ये मैंने इसको इस ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको ले लूँगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उर्दू को कैसे करेंगे ये वो, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं, तो उनके लिए ये एक स्मार्ट वर्क है अगर आप इसको अच्छे से पूरा सेम टू सेम करना चाहते हैं। अब मैं इसको सेव करूँगा अपने उसी फोल्डर में जिसमें मैंने सारी इस फाइल से रिलेटेड चीज़ें रखी हैं, और इसको JPEG में कर दूँगा मैं। और मैंने इसको करा लीफ लॉक्स हेडर, HEADER हेडर, सही है, मैंने सेव कर दिया। अब मैं MS वर्ड में गया और मैंने इसको, सही है, इंसर्ट करा, पिक्चर पे गया मैं, मैंने हेडर को अपने पेस्ट कर लिया। अब मैंने ये सेट करा, इसको कंट्रोल जेड, मैं हेडर पे गया, मैंने इसको पेस्ट, इंसर्ट पे जाऊंगा, पिक्चर पे जाऊंगा, और जो मैंने सेव कर रहा उसको मैंने पेस्ट करा, सही है। अब ये देखें, ये मेरा हेडर आपका सेट हो जाएगा, सही, ये देखें, ये आपका पहला पेज आपका, ये देखें, रिजेंबल करेगा इस वाले आपके पेज से जो हमारा यहाँ पर, देखें इन दोनों की रिजेंबलेंस हो रही होगी। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, डिफरेंट आपने अपने माइंड का यूज़ करना है कि आप किस तरीके से रिजेंबलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लीफलेट डिज़ाइन हुए होते हैं ये एक्चुअली MS वर्ड पे नहीं हुए होते, आमतौर पे किसी और सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोबी फोटोशॉप इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स पे हुए होते हैं। तो इस वजह से इनके अंदर कुछ चीज़ें इमेज की होती हैं, कुछ आपकी PNG फाइल्स होती हैं, कुछ JPEG फाइल्स होती हैं, उसको करते हुए ये डिज़ाइन करते हैं। ये बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एडोब फोटोशॉपिक शॉप के ऊपर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, लेकिन हम इसको MS वर्ड पे करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें MS वर्ड के डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल आ सके एक कॉम्प्लेक्स काम करते हुए। तो उम्मीद है आप लोगों को टेबल का जो सारा हमारा काम है वो समझ आ गया होगा Part 1 और Part 2 देखकर। लास्ट में रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।